रन वेलकम टू तो आई गेट भिलाई कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आपके प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेशन कैसे पढ़ना चाहिए क्या टॉपिक्स आपको कवर करना चाहिए क्योंकि बच्चों का डाउट होता है सर ठीक है ऑपरेटिव सिस्टम तो पढ़ना है लेकिन क्लियरली ले ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने चाहिए जिसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर कर लेने चाहिए और किस फॉर्म में आप कवर कर किस वीकनेस में आप पढ़ें किस ऑर्डर में पढ़ें कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी लेवल तक जा पाए और आप एक अच्छा अचीव कर पाए तो फर्स्ट जैसे टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड के अंदर में सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर्पज़ के लिए क्या बनाया गया इसका मोटिवेशन क्या था इसका काम इसका गोल क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में आपको पहले क्लियरली क्या होना चाहिए रीड करना चाहिए पढ़ना चाहिए फाइंड आउट करना चाहिए देन इसके बाद इसके डिप्रेशन हो गया इसका फंक्शन क्या है कितने टाइप के रिसोर्स रिसोर्स मैनेजर भी इसको बोलते हैं यहाँ पर हम लोग ठीक है मतलब यहाँ पे सबसे पहले यही देखना है आपको कि इसकी जो फंक्शनलिटीज़ क्या है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ठीक है कैसा होना चाहिए ठीक है देन सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं इसके अंदर सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं किस रिलेटेड होते हैं इसके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए डिन टाइप ऑफ ऑपरेटिव सिस्टम बैच ऑपरेट सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेट सिस्टम रियल टाइम ऑपरेट सिस्टम इनके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए इनके साथ में इनका एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी आपको कवर करना चाहिए नेक्स्ट एजुकेशन मोड्स क्या होते हैं यूजर मॉड में यदि आपका प्रोसेस या प्रोग्राम रन हो रहा है तो कैसे हो रहा है तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एजुकेशन मॉड में चला गया है, तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनके बीच में क्या यूज़र मॉड और सीपीयू मॉड बेसिकली दो मॉड होते हैं यूजर मॉड और सीपीयू मॉड इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है और क्या डिफ्रेंसेस होते हैं प्रेमटिव क्या होता है नॉन पीमटिव एक वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर वो वर्ड कब यूज़ होता है कैसे यूज़ होता है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए नेक्स्ट कर्नल क्या होता है और टाइप ऑफ कर्नल्स क्या होते हैं इनकी फंक्शनलिटीज़ क्या है इसको आपको क्या करना है रीड करना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर है नेक्स्ट जो टॉपिक है सेकेंड टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट ठीक है जब प्रोग्राम आपका रनिंग स्टेट में आता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं डेट इज कॉल्ड प्रोसेस ठीक है तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहिए यहाँ पर पहला डेफिनेशन क्या होता है दूसरा डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम नेक्स्ट एडवांटेज क्या है प्रोसेस बना बनने से क्या फ़ायदा मिलता है क्या बेनिफिट मिलता है आपको फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर पीसीबी भी यूज़ करते हैं उसके लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में क्या क्या फील्ड्स होती हैं और फील्ड की परपज़ क्या किस परपज़ लिए यूज़ होता है उन के बारे में आपको क्या करना है स्टडी करना है नेक्स्ट प्रोसेस स्टेट्स क्या क्या स्टेट्स होते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे स्टेट है आपके पास न्यू है रेडी है रनिंग है ठीक है बैटिंग स्टेट है देन टर्मिनेशन है फिर स्टेट है यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप के स्टेट्स होते हैं उनके डिफ्रिशन उनका पर्पस आपको रीड करना है देन स्टेट डायग्राम यूनी प्रोग्राम के लिए बनाइए मल्टी प्रोग्राम के लिए आप स्टेट डायग्राम बनाइए ठीक है फाइव स्टेट डायग्राम टू स्टेट डायग्राम सेवन स्टेट डायग्राम उसको बनाइए उसको प्रॉपरली एनालाइज करिए आप प्रिम्टिव ऑपरेशन और नॉन के लिए भी कैसे हम लोग कौन सी एजेस यहाँ पे होनी चाहिए कौन सी एजेस नहीं और कैसे कनेक्शन होने चाहिए उनको आपको क्या करना है रीड करना है नेक्स्ट कंटेक्ट स्विचिंग क्या होता है कंटेक्ट स्विचिंग क्या होता है डिफरेंट टाइप की यहाँ पे क्यूज होती हैं जॉब की होता है रेडी की होता है वेट की होता है इनके बारे में आपको रीड करना है प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइप देखा जाए तो प्रोसेस दो टाइप का होता है सीपी बाउंड एंड आईओ बाउंड ठीक है तो सीपीओ बाउंड कब बोलते हैं

टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस अरेवल टाइम क्या होता है बस टाइम क्या होता है सर्विस टाइम क्या होता है कंप्लीशन टाइम क्या होता है जो कि प्रोसेस का डिफरेंट टाइप के टाइम्स होते हैं तो उन टाइम का डिफिशन आपको बेसिकली क्या करना है रीड करना है प्रॉपरली डिफिशन क्या करना है फाइन करना है बेटिंग टाइम क्या होता है रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं ये सब चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए बना लेनी चाहिए नेक्स्ट आपको कवर करना चाहिए टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं जब मल्टीपल प्रोसेस अराइव हो जाते तो कौन सा प्रोसेस आपको क्या करना है शेड्यूल करना है क्योंकि अंदर में उसका डिसीजन मेकिंग कैसे होगा वो एल्गोरिथम से मालूम पड़ेगा डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स उनको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग डिसीजन के लिए कौन सा प्रोसेस अभी रन होगा कौन सा प्रोसेस अभी क्या करेगा वेट करेगा यहाँ पर तो सबसे पहला आपका एल्गोरिथम है यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है दैन शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है जॉब शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट राउंड रॉबिंग है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट है पेमटिव एंड नॉन पेमटिव दोनों टाइप से आपको क्या करना है सॉल्व करना चाहिए हाइएस्ट रिस्पांस इश्यू नेक्स्ट क्या होता है इसको कैसे अप्लाई करते हैं प्रोसेस को सिलेक्शन के लिए इसके को पढ़ना आपको सॉल्व करना आपको क्वेश्चन चूँकि अभी यहाँ पे हम लो लोग मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो सी पी यू बेस पे ही सॉल्व करते हैं सीप टाइम या बस टाइम आपको दिया रहता है लेकिन आपको अब सीप्यू टाइम और आईओ टाइम दोनों लेना है किसी कुछ प्रोसेस आपके कहाँ पर आईओ सेटिस्फाई कर रहे हैं कुछ प्रोसेस आपके कहाँ पर जा रहे हैं सीप्यू की तरफ जा रहे हैं तो उसमें से कौन सा अराइव होगा सीप्यू हमेशा एक ही प्रोसेस होगा एट ए टाइम लेकिन आईओ मल्टीपल प्रोसेस एक साथ क्या कर सकते हैं आप पर रिस्पॉन्ड हो सकते हैं एजिक्यूट हो सकते हैं आईओ के अंदर में तो उसके बेसिस पर सीप्यू बाउंड और आईओ बाउंड दोनों को क्या करना है आपको एजुक्यूट करना चाहिए देन मल्टी लेवल क्यू शेडलिंग क्या होता है मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग क्यों क्या होता है दोनों में क्या मतलब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर में यहाँ पर क्यों बनाया गया है उसको स्टारवेशन इस क्या होता है इसका क्या पर्पज़ है ठीक है कैसे हम लोग प्रोसेस को क्या करते हैं शेड्यूल करते हैं मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में तो जो मॉडर्न ऑपरेट सिस्टम है उसके अंदर प्रोसेस कैसे शेड्यूल होता है वो प्रोसेस क्या उसका मैकेनिज्म क्या है वो आपको क्या करना चाहिए स्टडी करना चाहिए रीड करना चाहिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पर आपका है प्रोसेस सिंपनाइजेशन इसको मैं जान मानता हूँ क्योंकि ये आपका जो ऑपरेटिव तो सिस्टम उसकी जान है मतलब ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा ही नहीं पढ़ा ही नहीं आपने मतलब ये जो तो टॉपिक मतलब आपको पढ़ना है प्रॉपरली पढ़ना है इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको पढ़ने में लेकिन बहुत ही कंसनट्रेट करके इस टॉपिक को हर एक टॉपिक को कवर करिए मतलब ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया मतलब आपको मजा ही आ जाएगा मतलब बाकी टॉपिक आपके क्या है ईजी है उसको पढ़ने में और पढ़ाने में उतना डिफिकल्टी नहीं जाती लेकिन सबसे जो मेन टॉपिक है सिंपनाइजेशन

ठीक है सेम टाइम में अपने फॉर्म फिलअप किया सेम टाइम में काउंटर पे पहुंचे आप कैसे काउंटर के पास टीम सेम टाइम में दो फाइल ओपन हुई दो अलग अलग कंप्यूटर में सेम टाइम में यहाँ पे थाउजेंड यहाँ पे फाइव हंड्रेड क्या हुआ डिपॉजिट हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कॉपी हुआ हंड्रेड वहाँ पे चुकी इंड क्या होगा डेटा रीड हुआ फाइल से रीड हो गया कहाँ पे आ गया रजिस्टर के अंदर में आ गया हंड्रेड हंड्रेड प्लस थाउजेंड क्या और यहाँ पर हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड कर देगा तो प्रॉब्लम क्या राइज हो रहा है एक्चुअल में रिजल्ट क्या आना चाहिए था हंड्रेड रुपीज़ पहले था फादर ने थाउजेंड डाला आपने फाइव हंड्रेड डाला तो हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड आना चाहिए था लेकिन यहां पे क्या हो गई फाइल फाइल जो ओपन हुई तो सिस्टम में सेम टाइम में हुई और जो डेटा रीड हुआ रजिस्टर के अंदर गया दोनों तो ने एक साथ रीड किया हंदेर। तो हंड्रेड प्लस थाउजेंड हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड तो सिक्स हंड्रेड वहां पे कॉपी हो जाएगा तो डेटा लॉस हो गया ठीक है हंड्रेड प्लस थाउजेंड वहाँ पे कॉपी हुआ तो भी डेटा लॉस हो गया अगर एक् 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 एक्चुअल में वहाँ पर कैश्ट होना चाहिए हंड्रेड प्लस थाउजेंड प्लस फाइव हंड्रेड तो कितना हो गया सिक्सटीन हंड्रेड होना चाहिए था डिपॉजिट लेकिन या तो इलेवन हंड्रेड वहाँ पे कॉपी हो रहा है या उसके बाद आपका सिक्स हंड्रेड वहाँ पे कॉपी हो रहा है मतलब चूंकि प्रोसेस आपका क्या सिकोनाइज नहीं है तो इसलिए प्रोसेस सिगनाइज़ करना बहुत जरूरी है सिग्नाइज नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम राइज हो सकता है प्रॉब्लम राइज हो सकता है लॉस ऑफ डेटा कि आपका करेक्ट डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अकाउंट का एग्जाम्पल दिया कि एक्चुअल वहाँ पे 1600 स्टोर होना चाहिए था लेकिन जो कि क्या हुआ यहाँ पर एक का डेटा सिर्फ क्या हो रहा है वहां पर कॉपी हो रहा है दूसरे का डेटा क्या हो रहा है उसके ऊपर ओवर हो जा रहा है तो रिजल्ट रॉन्ग हो जा रहा है यहां पर दूसरा लॉस ऑफ डेटा हो सकता है यहां पर ठीक है तो ये सब चीजें यहां पर आपको क्या करना है तो इसका जो मोटिवेशन है बेसिकली प्रपर्ली पहले आपको रीड करना है नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस कितने टाइप के प्रोसेस हो इंडिपेंडेंट प्रोसेस तो सिग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है लेकिन कॉपरेटिव प्रोसेस है एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस का इफेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉपरेटिव प्रोसेस फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग ने यहाँ पर रीड करते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हो गया आपका प्रॉब्लम हो गया यहां पर रीडर राइटर प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया इसको पहले आप विदाउट सेमाफोर क्या करिए रीड करिए और विदाउट सेमाफोर विदाउट जब इसको आप पढ़िए और देखिए किस टाइप की राइज होती है आप नहीं करते हैं तो यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि यहां पर क्या हो रहा है रिजल्ट इनकरेक्ट हो रहा है लॉस ऑफ डेटा हो रहा है मे बी डेड लॉक हो सकता है ठीक है उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं आप इसलिए इसको सिग्नाइज करना यहां पर क्या है जरूरी है दो प्रोसेस या मोर देन टू प्रोसेस उनको सिग्नाइज करना जरूरी है क्योंकि सारे प्रोसेस साथ

प्रोग्रेस बोलते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है प्रोसेस प्रोग्रेस में है और कब हम लोग बाउंडेड बोलते हैं और कब नहीं बोलते हैं तो ये सब चीजें आपको क्या करनी चाहिए फाइंड आउट करनी चाहिए इनका एक नोट आपको अच्छे से बना लेना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सोल्यूशन ऑफ सिकुनाइजेशन क्या क्या सोल्यूशन बनाए गए हैं फॉर सिक्युनाइजेशन सिर्फ फर्स्ट सोल्यूशन यहां पर क्या सॉफ्टवेयर टाइप तो सॉफ्टवेयर टाइप में तीन टाइप के और भी यहां पर है मेथड्स है आपके पास लॉक वेरिएबल स्टिक अल्टरनेटिवस है आपके पास पिटर्सन एल्गोरिथम है इस इस तीनों टॉपिक को आप क्या करना है आपको एनालाइज करना है इन तीनों टॉपिक के अंदर में आपको फाइंड आउट करना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस और बाउंडेड बाउंड्रेड तीनों सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है तो एक टेबल आप बना लीजिए उस टेबल में आप कॉलम बना लीजिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन का प्रोग्रेस का और बाउंडेड बेट का स्टिक अल्टरनेटिव में जो फॉलो हो रहा है जो सेटिस्फाई हो रहा है उसमें टिक करिए जो फॉलो नहीं हो रहा है उसमें क्रॉस कर दीजिए आप तो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि सिपनाइजेशन के लिए बेटर सोलूशन कौन सा है जिस किस में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं सिपनाइजेशन की किस में फॉलो नहीं हो रही है नेक्स्ट हार्डवेयर टाइप हार्डवेयर टाइप में भी सेम कहानी इसको बोलते हैं टेस्ट एंड सेट लॉक इंस्ट्रक्शन सेट इसमें भी आप फाइंड आउट करिए म्यूचुअल म्यूचुअलूजन प्रोग्रेस और बाउंडेड बेट सेटिसफाई हुआ या नहीं हुआ है सिम्पनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है सिमिलरली नेक्स्ट जो बनाया गया ऑपरेटिव आप, स्टर्म टाइप ठीक इसमें दो टाइप का बानिश सेवा फोर और काउंटिंग सेवा फोर इसको भी प्रॉपरली आप क्या करिए एनालाइज करिए और एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करिए कि मल्टीपल रिसोर्स है तो उसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं सिग्नाइज कैसे कर सकते हैं ठीक है टिके? और बानिश सेवा फोर को कैसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है, है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड कंपैलर बेस ठीक है तो इसको बोलते हैं मॉनिटर इसका क्या यूज है कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो ये आपको क्या है सोल्यूशन ऑफ सिंकुनाइजेशन इनके बारे में आप फाइंड आउट करिए किस में सिंकुनाइजेशन हो रहा है किस में सिंकुनाइजेशन नहीं हो रहा है कौन से कंडीशन फॉलो हो रहे हैं कौन से कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं है सेटिसफाइड नहीं हो रहे हैं उन सबकी लिस्ट आप क्या करिए बना लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिकल प्रॉब्लम जो हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो गया आपका ठीक है आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम था आपका रीडर राइटर हो गया डाइनिंग फ्लासपर प्रॉब्लम हो गया इन सबको आप क्या करिए आप सिपनाइज करिए बाई यूजिंग सेमाफोर चूंकि सेम आपने पढ़ लिया पहले मैंने पढ़ा था उसका सिर्फ प्रॉब्लम्स क्या राइज होगा जब सेमाफोर पढ़ लिया तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे उसको हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके uh, सिगुनाइज कैसे करेंगे बेसिकली सिकली यहाँ पर तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर बेस सम रीडर राइटर बेस फोर डाइनिंग फ्लासपर प्रॉब्लम बेस समोर प्रोड्यूसर कंज्यूमर बिग मॉनिटर सोल्यूशन इन सबको भी आपको क्या करना है प्रॉपरली एनालाइज करना है कि किस केस में कहाँ पर किस कंडीशन में स्टिगनाइज होगा या नहीं होगा ठीक है तो सारी चीजें आपको क्या करना है थोड़ा टाइम लगेगा आपको लेकिन प्रॉपर टाइम दीजिए आप भले आपको 15 से 20 मिनट लगे कि टॉपिक को कवर करने में आधे घंटे लग जाए लेकिन प्रॉपरली करिए एक बार अपने आपने अपना अच्छे से कर लिया तो दोबारा उसमें डाउट नहीं रहेगा नेक्स्ट आपका कंकरेंट प्रोग्रामिंग कन्करेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है यहाँ पर इसको पढ़ना आपको इसका डिपेंडेंसी ग्राफ़ बिजनेस ग्राफ कैसे बनाते हैं यहाँ पर डिपेंडेंसी कंडीशंस कंडीशन क्या होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है रेट करना है नेक्स्ट यहाँ पर आपका पार बिगिन और पार इन कोडिंग लिखी रहती है उसको ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्राफ आपको दिया जाता है पार बिगिन पार एंड बिगिन एंड यूज़ करके उसके कोडिंग लिखनी पड़ती है तो उस कोडिंग को कैसे यूज़ करते हैं पार मीस होता है पैलल बिगिन पैलल एंड और बिगिन एंड मतलब उससे होता है फॉक क्या होता है फॉक कैसे यूज़ कर सिस्टम कॉल है ये इसको कैसे यूज़ करते तो हैं इसके वराइटीज़ के क्वेश्चन आप क्या करिए सॉल्व करिए थेड्स थेड का एडवांटेज क्या है नीड क्या है इसको पढ़िए आप मोटिवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एडवांटेज बताई दिया मैंने आपको प्रोसेस वर्सेस थ्रेड दोनों में क्या डिफरेंस है देन टाइप ऑफ थ्रेड्स ठीक है यूजर एंड कर्नल थ्रेड्स दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर है देन क्रिएशन ऑफ थ्रेड तो थ्रेड कैसे हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे जो कवर करना है वो है डेडलॉक डेडलॉक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर डेडलॉक क्या होता है इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है डेडलॉक कब अकर होता है ये सबको आपको फाइंड करना है यहाँ पर नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है ठीक है इसको फाइंड करिए आप रिक्वेस्ट और रिलीज लाइफ साइकिल्स कैसे होती है कैसे बनती है रिसोर्सेस आपके पास में हैं तो उसका लाइफ साइकिल कैसे प्रिपेयर करेंगे आप नेक्स्ट नससरी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक क्या होता है नेक्स्ट कैटिस्टिक्स ऑफ डेड लॉक तो कैटिस्टिक्स में आपका क्या होता है रीजन फॉर डेडलॉक जैसे आपका कमेचुअल uh, एक्सक्लूजन हो गया होल्ड एंड बेट हो गया नॉन प्रियम्शन हो गया देन सर्कुलर वेट हो गया इनके बारे में आपको क्या करना है स्टडी करना है कि किस केस में डेडलॉक आकर हो सकता है नेक्स्ट हो गया आपका डेड लॉक एवाइडेंस एवाइडेंस कैसे करते हैं सेव स्टेट अनसेव स्टेट क्या होता है बैंकर एल्गोरिथम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देन डिटेक्शन कि कैसे यदि आपका जो सिस्टम है डेडलॉक में चार चुका है तो कैसे आप डिटेक्ट करोगे यहाँ पर डेडलॉक हो सकता है ठीक है तो सिंगल स्टेंस के लिए और मल्टीपल स्टेंस के लिए आपको फिर रिकवरी यदि डेडलॉक में मूव भी कर गया है तो उसको रिकवर कैसे करेंगे आप ठीक है तो किलिंग कर सकते हैं प्रोसेस को हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर पीएम्ट कर सकते हैं ठीक है इन सारे चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है रीड करना है और इसको प्रॉपरली एनालाइज करना है ठीक है कैसे कैटिस्टिक्स क्या होती है अवाइडेंस क्या होता है यहाँ पर ठीक है डिटेक्शन क्या होता है और रिकवरी कैसे करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन हर साल अच्छे खासे आते हैं इसको आपको बहुत ही प्रॉपरली क्या करना एनालाइज करना और स्टडी करना है दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ भी काम आएगा आगे आप सी पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा मतलब तो दोनों इंटर रिलेटेड है आपस में ठीक है तो इसको बहुत ही अच्छे से आप कवर करिए टॉपिक को ठीक है तो चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं मेमोरीज का गोल क्या क्यों मेमोरी बनाई गई है इसका मैनेजमेंट पर्पज़ क्या है ठीक है मोटिवेशन बेसिकली क्या है इसका तो इसके बारे में पहले आप क्या करें रिलाइज़ करिए आप देन फंक्शनलिटीज़ क्या है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है बाइट ओरिएंटेड क्या होता है वर्ड ओरिएंटेड क्या होता है बिट ओरिएंटेड में ले जाएंगे तो कैसे बनेगा ठीक रैम चिप का ऑर्गडाइजेशन क्या होता है या आपको मेमोरी क्या करनी है कंस्ट्रक्ट करनी है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आप एडेस फील्ड कैसे निकालेंगे आप डेटा स्टोर कर रहे कैसे स्टोर करेंगे यहाँ पर डेटा लाइन्स क्या होते हैं उन सबके बारे में जो बेसिक फंडामेंटल उनको क्रिएट करिए आप लोडिंग लिंकिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग क्या होता है उसको आप फाइंड करिए आप कितने टाइप की स्टैटिक और डायनमिक टाइप की भी होती है उनके बारे में आप क्या करिए फाइंड आउट करिए आप मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है यहाँ पर दो टेक्निक है कंटिन्यूस और नॉन Contiguous. ठीक है तो contiguous fixed partition होता है तो में होता आपका फाइंड आउट देन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन क्या होता है ठीक है फर्स्ट फिट बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट नेक्स्ट टॉपिक जो आपको कवर करना है ऑपरेशम के अंदर में वो आपका है नॉन कंटिग्युअस मेमोरी लोकेशन पेजिंग सिस्टम क्या होता है पेजिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर करने हैं आपको कि आपका प्रोग्राम क्या होता है पेजेस में डिवाइडेड होता है तो पेजेस से आपका पहले कहाँ पे लोड होता? होता है मेन मेमोरी में के फ्रेम में लोड होता है रैंडमली कहीं भी लोड हो सकता है उसके बेसिस पे कैसे पेज टेबल क्रिएट होता है फिर स्टेट पेज टेबल कहाँ पर स्टोर्ड होता है ठीक है सिर्फ कैसे एक्सेस करता है पेज टेबल को फिर पेज टेबल से पर्टिकुलर पेज तक कैसे पहुँचते हैं और पेज तक पहुँचने बाद उसको कैसे एक्सेस करते हैं इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है क्या करना है स्टडी करना है रीड करना था टाइम दे इसको आप पढ़िए आप ठीक फिर इन मल्टी लेवल पेजिंग सिस्टम क्या होता है मल्टी पेजिंग सिस्टम क्यों बनाया गया इसका मोटिवेशन क्या था बनाने का सिंगल लेवल में क्या प्रॉब्लम थी मल्टी लेवल क्यों बनाया गया इन्वर्टेड पेजिंग सिस्टम क्या होता है सिगमेंटेशन क्या होता है पेजिंग और सिगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर में फिर सिगमेंटेड पेजिंग क्यों बनाया इसका क्या मोटिवेशन था ठीक है मतलब कुछ ना कुछ तो ड्राबैक रहा होगा इसलिए सिगमेंटेड पेजिंग बनाया गया होगा तो वो सब आपको क्या करना है फाइंड करना है और इस पर न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉपरली क्या करने सॉल्व करने हैं चूंकि न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तभी आपका विजुलाइजेशन और इंक्रीज होगा बढ़ेगा आपका अंडरस्टैंडिंग क्या होगा यहां पर बढ़ेगा नेक्स्ट यहां पर वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट क्या होता है सब इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टूडेंट से टिपल आईटी हैदराबाद गया था कि आपके मोबाइल में वर्चुअल मेमोरी कहां पर यूज होती है कैसे आप बताओगे ठीक है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं मतलब पेजिंग सिस्टम और मल्टी लेवल पेजिंग सिस्टम क्यों बनाया गया ठीक है सिमेंटेशन था सिमेंटेशन पेजिंग क्यों बनाया गया इन्वर्टेड का क्या फ़ायदा है तो इन सब जो इनके बेसिक क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं यहाँ पर ये सारे मेथड्स हैं यहाँ पर ठीक है नॉर्मली क्या होता है टेसिंग क्या होता है ट्रेसिंग कब अकर करता है इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है प्रॉपरली स्टडी करना है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है आपका यहाँ पर फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट फाइल क्या होता है डिफिशंस क्या होती है टाइप ऑफ फाइल्स क्या बेरियस ऑपरेशन ऑन फाइल क्या है वेरियस एक्सेस मेथड क्या सिक्वेंशियल और रैंडम क्या होता है वेरियस डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स क्या है डिस स्ट्रक्चर डिस प्रॉपरली यहां यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताया ना यहाँ पर डिस यहाँ पर भी मिलेगा आपको आगे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑनेशन वहाँ भी मिलेगा दोनों एक काम आएगा यहाँ पर ठीक है तो भी यहाँ पर जो आपके पास पेजेस हैं वो जो पेजेस हैं रैंडमली स्टोर्ड है या चूँकि हम लोग यहाँ पर ही पेजेस वाइज स्टोर करते सेक्टर में तो स्टोर करते ही हैं सब स्पेज को भी लेके चल सकते हैं रेंडम ऑर्डर कैसे एक्सेस करेंगे एक्सेस टाइम क्या होगा वो सब चीज़ें यहाँ आप पर आपको क्या करना फाइंड करना है नेक्स्ट डिस स्पेस एलोकेशन मेथड्स क्या क्या है ठीक है कंटिन्यूस हो गया नॉन कंटिन्यूस इंडेक्स होगा आई नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं फाइल स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं फाइल का साइज़ कैसे फाइंड करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ आप पर आपको स्टडी करना चाहिए देन यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास डिस इंटरलिविंग क्या होता है इसका पर्पज़ क्या था क्यों ऐसा बनाया गया डिस इंटरलीबिंग ठीक है क्लियर पॉइंट मतलब पहले आप पढ़िए विदाउट डिस इंटरलीबिंग फिर आप देखिए कितने टाइप के डिस इंटरलीबिंग होते हैं उसमें कैसे वेराइटीज़ हैं क्या बेनिफिट है उस सब के फिर टाइप बेसिक टेप कंसेप्ट पढ़ लीजिए उसके फार्मूले पर लीजिए स्टोरेज कैसे निकालते हैं ठीक है डेटा ट्रांसफर रेट कैसे निकालते हैं फैक्ट्री डेटा ट्रांसफर रेट कैसे निकालते हैं ये सब फॉमलेज यहाँ पे बना लीजिए डिस्क के लिए भी सेम वहाँ पर भी एक्सेस टाइम क्या होता है ठीक है डेटा रेट ट्रांसफर टाइम क्या होता है एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पर फिर फ्री स्पेस मैनेजमेंट कैसे होता है डिस फ्री स्पेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं दो मेथड यहाँ पर है फ्री लिस्ट और बिट अ, मैप अप्रोच इनको भी प्रॉपरली आप क्या करिए स्टडी करिए देन डिस शेड्यूलिंग आपको मालूम ही है ये सारे मेथड्स आपको क्या करने कवर करने हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि सर क्या रिसोर्स फॉलो करना चाहिए क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए देखिए यहाँ पर बेस्ट बुक तो गैलवे ही है सभी लोग उसी से पढ़ते हैं तो आपको भी गैलविन पढ़ना चाहिए वहाँ से फॉलो करिए आप ये बुक्स उतना नहीं पढ़ पाते हैं तो गैलविन की एक पीपीटी आती है उसको आप डाउनलोड कर, कर सकते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है और टेन बॉम भी आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद एक बुक और आती है बिलियम स्टॉलिंग की बुक आती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर गिग फॉर गिग फॉलो कर सकते हैं आप ठीक है और प्रीवियस ईयर के लिए आपको मालूम है गेट ओवरफ्लो फॉलो करना है तो ये सब आप रिसोर्सेज फॉलो करिए ठीक है किसी के नोट्स मिल जाए आपको तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं उससे भी आपको हेल्प हो जाती जा है नोट्स वगैरह मिल जाए तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए लेकिन क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली बनाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए उतने अच्छे क्वेश्चन कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको बुक के पीछे जो क्वेश्चन दी अनसॉल्व क्वेश्चन है उन पर भी आप ट्राई करिए जो गेट में नए क्वेश्चन आते हैं गेट नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो बुक के जो लास्ट पे में दिए रहते हैं उनको फॉलो करिए आप स्टडी करिए उससे आपका जो है तो मतलब प्रैक्टिस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा फिर आपको भी लगे रहना करते रहना पेशेंस के साथ में धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा और कर भी लेंगे आप थैंक यू ओके